नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 24 स्लॉट वाला जो कूलर होता है, कूलर किट जिसको बोलते हैं, 1 इंच स्टेटर साइज वाला, तो उसका वाइंडिंग डायग्राम्स प्लस में वाइंडिंग डाटा आज हम बताएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस मोटर के अंदर 24 स्लॉट होते हैं, 1440 आरपीएम में होती है मोटर, वो 5 या 4 ब्लेड पे चलती है। और रनिंग के अंदर टोटल 4 कॉयलें होती हैं, स्टार्टिंग के अंदर 4 कॉयलें होती हैं। तो सबसे पहले इसकी पिच पे ध्यान, पिच की बात करें तो पिच होती है 104-106। पहले पिच बना लेते हैं, 1 2 3 4, इसके ऊपर होती है 106, ठीक है। तो पहले हम रनिंग का डालते हैं। तो एक कॉयल जो होती है इसमें 37 इंच की होती है रनिंग में। एक कॉयल को 104 के अंदर डालते हैं हम इस तरह से, 104 में डालने के पश्चात फिर से 104 में, ठीक है। तो 104 में कॉयल को 2 बार डाला जाता है मोड़कर, 106 के अंदर 3 बार कॉइल को घुमाया जाता है, 3 बार कॉइल को मोड़ के डाला जाता है और फिर आउटर पॉइंट निकलता है। तो देखिए 104 में 2 बार, 106 में 3 बार कॉइल को मोड़ के डाला जाता है, बीच में 2 स्लॉट छोड़ के। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पिच वही बनाने हैं, 6 4, 2 खाली छोड़ने हैं, 1 1, ठीक है। और यहाँ से शुरू करते हैं 104 से, 104 के अंदर 2 बार कॉइल को डाला जाएगा, बारी आती 106 की, 6 में 3 बार डाला जाएगा। और आउटर तार यहाँ पे निकलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही पिच, 6 4, 2 खाली छोड़ने हैं, 1 1 1 4 1 6, ठीक है, 104 में 2 बार, 6 में 3 बार कॉइल को डाला गया है। इसका डेटा भी मैं साथ में बताऊंगा डायग्राम के बाद में। तो फिर से पिच बना लेते, 6 4 1 1, 2 बीच में छूट जाते हैं। इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ रहना चाहिए। 106 में कॉइल को डाल देना है, सॉरी 104 में कॉइल को डाल देना है और फिर उसको 104 में एक बार और मोड़ देना है दोबारा से, ठीक है। उसके बाद 106 में डालना है फिर उसको, फिर उसी कॉइल को एक बार फिर से मोड़ देना है, फिर एक बार और इसमें मोड़ देना है और फिर यहाँ पे आपका जो आउटर तार बच जाएगा। तो इस तरह से रनिंग कॉइल इंस्टॉल होंगी। उसके बाद इसके कनेक्शन देख लीजिए, कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। पहले कॉइल का आउटर तार छोड़ दीजिए, इनर तार पकड़िए, इनर दूसरे के इनर से जोड़ दीजिए, ठीक है। पहले के नट दूसरे के नट जोड़ दीजिए, अब दूसरे का आउटर पकड़िए, तीसरे के आउटर से जोड़ दीजिए, अब तीसरे का इनर पकड़ना है, चौथे के इनर से जोड़ देना है। अब 2 आउटर बचेंगे, पहले का आउटर चौथे का आउटर, ठीक है, ये बाहर निकलेंगे दोनों तार। अब स्टार्टिंग की बारी आती है, स्टार्टिंग बना लेते हैं। तो देखिए मोटर को ऐसे हमको टेढ़ा करना होगा जैसे मैं डायग्राम को घुमा रहा हूं, और हमको पिच बनानी है 104-106। तो ये 3-3 जिसपे मोड़ डाले गए थे, 3-3 बार कॉइल मोड़ के डाले गए थे, इन 2 स्लॉट्स को आप छोड़ दीजिए जिसमें डबल डबल डाले हैं, इनको 104 बना लीजिए और जो खाली वाला है इसको 106 बना लीजिए। और कॉइल डालना है, ये इनर तार है, और 104 में एक बार स्टार्टिंग डलेगी, 6 के अंदर 3 बार कॉइल मोड़ के
ये डाली जाती है, आउटर तार निकल जाता है। 31 इंच की कॉइल इसमें डाली जाती है एक, ठीक है। उसके बाद फिर से वही 1 से 4 बनाना है, 1 से 6 बनाना है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो खाली वाले स्लॉट को 6 बना लीजिए और उससे नीचे वाले को 4 बना लीजिए, किसी भी तरह से बना सकते हो। दो भरे जिसमें 3-3 बार डाले गए हैं उनको छोड़ दीजिए बीच में, 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 के अंदर 3 बार। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं सेम तरीके से, 6 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 2 छोड़ दीजिए, फिर 1 1 1 से 4 में डालते हैं पहले, 2 छोड़ के, उसके बाद 1 से 6 में 3 बार, और आउटर तार निकल जाता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर वही 6 4 2 छोड़ने हैं, 1 1 1 से 4 में 1 बार, 1 से 6 में 3 बार कॉइल को मोड़ के डालना है और ये आउटर तार निकल जाता है। टोटल 8 कॉइल डलते हैं, 4 रनिंग के 4 स्टार्टिंग के, तो इस तरह से। अब इसके कनेक्शन देख लीजिए, स्टार्टिंग के, स्टार्टिंग की आप तो किस कहीं से भी कनेक्शन करते कर सकते हो, लेफ्ट राइट इनर से या आउटर से, कहीं से भी आपकी मर्जी। तो हम जैसे रनिंग का किया था वैसे ही करेंगे। इसकी पहली कॉइल ये वाली है जो हमने इंस्टॉल की थी। इसका जो है आउटर तार हमको छोड़ देना है ये वाला, और इसका इनर तार पकड़ना है ये वाला, और इनर तार दूसरे के इनर से जोड़ देना है, दूसरे वाले स्टार्टिंग कॉइल के साथ, 2 नंबर वाले के साथ। अब 2 नंबर का आउटर है वो 3 नंबर आउटर के साथ जुड़ जाएगा, 3 नंबर कॉइल के आउटर के साथ, ठीक है। अब 3 नंबर का जो इनर है 4 नंबर वाले के साथ जुड़ जाएगा, 2 आउटर बच जाएंगे, पहली वाले का आउटर जो ये वाला आ रहा है और एक चौथे वाले का आउटर। टोटल 4 तार हैं जो हम बाहर निकाल सकते हैं, कैपेसिटर कनेक्शन उसके कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा की, तो डेटा लिख लीजिए ध्यान से, का स्क्रीन शॉट ले लेना आप। सबसे बात पहले बात करते हैं मोटर की, तो ये है जो कूलर मोटर है, ठीक है। ₹1440 के अंदर इसको किट बोलते हैं, कूलर किट मोटर, ठीक है। बात करते स्टेटर साइज की, इसका स्टेटर साइज 1 इंच है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कॉइल को छोटा बड़ा कर सकते हैं स्टेटर के साइज के हिसाब से, यानी कि 1 इंच यानी कि 2.5 सेमी, ठीक है। और स्टेटर की जो गोलाई है अंदर की वो देखिए, अंदर की जो गोलाई होती है 6 सेमी है। गोलाई यानी कि इनर डायर, ठीक है, इनर डायर अंदर की तरफ का SWG। इसमें रनिंग में 30 नंबर, स्टार्टिंग में 32 नंबर डालेंगे। फर्मी की बात करें रनिंग के अंदर 37 इंच का फर्मा, स्टार्टिंग में 31 इंच का फर्मा
रहेगा। अब टर्न की बात करें, टर्न जो है रनिंग के अंदर 100 रहेंगे, स्टार्टिंग के अंदर 110 रहेंगे। पिच की बात करें तो पिच मैंने बता भी दिया है, फिर भी लिख देता हूँ डेटा में। एक से रनिंग का पिच है 104, 106, सॉरी 106, ठीक है। तो 104 में कॉइल 2 बार डाली जाएगी, 106 में 3 बार डाली जाएगी रनिंग में मोड़ कर। बात करते स्टार्टिंग पिच की, तो स्टार्टिंग पिच भी रहेगा 104, 106, पर इसके अंदर कॉइल 104 में 1 बार डलेगी, 106 में 3 बार डलेगी, ठीक है। तो ये है इसका डेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। कुछ छूट गया हो हमसे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।